एक विवाह ऐसा भी। आपने मेरी फीस नहीं भरी ना माँ, तो फिर ना टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया। लाडू, पिछले महीने यहाँ सब कुछ हुआ कि मैं वीर की फीस भरना ही भूल गई, और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी फीस एक साथ भर सकूं। हेलो जी, मुझे मेरे बच्चे की फीस के बारे में बात करनी थी। जमा हो गई है साल भर की, पर किसने की? वीर के स्कूल की रिसिप्ट रणवीर जी के जेब में। इसका मतलब वीर के स्कूल की फीस। कहीं तू अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी ना भूल जाए। माँ साहब, मैं कुछ नहीं भूली। जो ऐसा होता ना तो तू हनीमून मनाने ना जा रही होती। रणवीर और सुमन का रिश्ता मैं तोड़ कर रहूंगी, और इसके लिए मुझे उनके हनीमून प्लान को स्पॉइल करना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जे सिंधु जे ना चाहती कि तू और रणवीर हनीमून पे जाए, वो कुछ भी कर सके हैं तुम दोनों को रोकने के लिए। वैसे इन्हें रोक लीजिए, इन्हें मत जाने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने जो भी तैयारियां करी है उसको एंड मोमेंट पे कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाची अगर कुछ कह रही हैं तो इसके पीछे जरूर कुछ बात होगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ छोटे, मैं अपने कमरे में जाऊं। जाओ अपने कमरे में और सामान अनपैक करो। नहीं मम्मी जी। लिसन, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, और फालतू की बातें करना बंद करो, समझे तुम? ये रणवीर किससे बात कर रहे हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? हेलो, कौन है आप? क्यों आप मेरे पति को परेशान कर रहे हैं? सुमन, सुमन मेरा। हेलो, मैं। हेलो, रणवीर ये कौन है जो आपको मजबूर कर रहा है, और आप उसका नाम क्यों छुपा रहे हो? चोट तो नहीं लगी? ओके, एनीवेज गाइस, चलो अब हम आप दोनों का फोटोशूट शुरू करते हैं। कम ऑन गाइस। देखिए, आप इनके साथ फोटो खिंचवा लीजिए, मुझे कुछ काम। नो 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 प्लीज, अब ऐसे नहीं चलेगा। ओके, हमें आपका फोटोशूट चाहिए। अरे ये तो हनीमून की मेमोरीज होती है बाबा। कम ऑन, आप दोनों एक बेस्ट पोज दीजिए। ओके चलो, कम ऑन। अरे कम ऑन छोटे, कम ऑन छोटे, शाम की अपना। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अब तो गुस्सा थूक दीजिए सर जी। अरे आई नीड मोर सेंसेस, जैसे आप दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबते जा रहे हो। मुझे सच जानने के लिए आपके करीब आना ही होगा। मैम, आपके फैमिली फ्रेंड्स रणबीर मित्तल और सुमन मित्तल रूम नंबर 1201 में ठहरे हैं। हमें उन्हीं के समीप का कक्ष दीजिए। मैम, रूम नंबर 1202 अवेलेबल है। इट इज ओके फॉर यू? जी ओके। अनिसा, आइए आइए प्लीज। ये रणबीर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? आखिर उन्होंने किसे देख लिया था फोटोशूट के टाइम? ऐसी क्या बात है जो उन्हें परेशान कर रही है? कौन है जिसके वजह से रणवीर जी इतने परेशान हैं?
ये तो अपना चेहरा ढके जा रही। ये सरदार जी मेरे आगे पीछे क्यों मंडरा रहा है? ओ देखो देखो देखो, हो सकता है ताड़ा रुमाल हो। चलो चल खोते। ये सरदार जी क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? Excuse me? क्या बदतमीजी है ये? आपको अच्छा लगा क्या? वैसे आपके हस्बैंड तो अभी आपको छोड़कर चले गए, और मेरी वाइफ भी। अब आप भी तन्हा और मैं भी। आप चाहे तो आपका ये हनीमून मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे नाराज क्यों होती है मैडम? आप खूबसूरत है, हम भी जवान हैं, थोड़ा टाइम एक साथ बिता लेंगे तो किसी का क्या जाता है। वैसे इन मामलों में मैं तो बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ, शर्माइए मत। और आने की गलती मत करिए, आप जानते नहीं मैं कौन हूं। अरे मैं अच्छी तरह जानूं कि तू कौन है। अलावती सुमन को उठवा के उसे मरवाना चाह रही है तू? मैं यहाँ सिर्फ उसे रणवीर से दूर करने आई थी, दैट्स इट। सुमन को बर्बाद करने के लिए तू किसी भी हद तक जा सके। तू कौन है? चेहरा दिखाओ। तुम दोनों का झगड़ा रिजॉल्व हुआ था ना? हाँ वो झगड़ा तो रिजॉल्व हो गया था। वो झगड़ा मतलब? अब कोई नई गड़बड़ की क्या उसने? सरू बता रही थी कि मीरा भी वहाँ परेशान से घूम रही है, कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। क्यों? मतलब हम इस झगड़े के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना होगा। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? और सुनिए भरभूती जी, वो हमारे शहर के नए कारपेंटर हैं। कारपेंटर? कारपेंटर नहीं भाभी जी, कलेक्टर। सही पकड़े हैं। आज मैं आप सबसे ये पूछता हूँ कि आप लोग बड़े प्यार से अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर बनवाते हैं, लेकिन टॉयलेट या शौचालय क्यों नहीं बनवाते? कलेक्टर साहब आपने आज हमारी आँखें खोल दी। तिवारी जी आपकी आँखें आज कुछ ज्यादा खुल गई हैं, थोड़ी सी बंद करिए। आज शाम की चुनावी सभा में बांटने के लिए यो कुल्हाड़ी और यो मिट्टी के दिए लाई सो। आज शाम की सभा में देवर जी का चुनाव चिन्ह दिया बटना नहीं चाहिए। भाभी यो लो, पड़ गए आपके दिए। तू इनको संभाल के अंदर रखवा देना, तो शाम को हम सभा में बांट देंगे। बिल्कुल मैं रखवा दूंगी। शाबाश पिंकी। Yeah.
कहा महाराज अभी तक ही है। अरे भाई जल्दी चलिए ना, और अग्नि दीदी राह ना देख रही होंगी। पराग भैया बहुरिया ने पराग बाबू को कांड के बारे में बता दिया तो पता नहीं कहाँ होगा। ज्यादातर केसेस में जमीन दादी जी के नाम है, हम एक बार उनसे मिलकर आते हैं। नन, कौन है तुम्हारा लल्ला? दादा थैया? कृष्ण कन्हैया, दादा थैया कहाँ है तुम्हारा लल्ला? अरे शीघ्र ही इन्हें बाल निकालिए। भगवान कंस के भक्तों की ये स्थिति क्या? भगवान वो कहना तो दिव्य है भगवान। पानी नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? धरती लोक पर जो माया है वो देवराज की सहायता के बिना नहीं कटेगी। एक उपाय है आपके पास और वो उपाय है धरती लोक पर उपस्थित वो बालिका पौलोमिका। अब मैं अपना लक्ष्य जरूर पूरा करूंगी। मैं इस परिवार से अपनी माँ का बदला जरूर लूंगी। देवी संतोष, अब क्या करेंगे आप? तू बाजवा है, तू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, तू जीत सकता है। मम्मी जी और रोहन वीर जी के हक के लिए लड़। आपका हक है ये, और आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। तू कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले नहीं जा सकती। मुझे तुम पवनियाओं के एहसान की कोई जरूरत नहीं।